नमस्कार दोस्तों, मैं विकास, टेक्निकल जेसन में आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, मैं माइक्रोस्कोप के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये जुगाड़ माइक्रोस्कोप है जो मैंने कई सालों से यूज कर रहा हूँ, तो आज मैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको बताता हूँ। तो ज़रा कैमरा खोल जाइए, तो इसको कैसे बनाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले हमारे पास ये एक स्टैंड होना चाहिए, ये अपना स्टैंड है, ब्लोअर रखने का स्टैंड आता है, ठीक है, ब्लोअर स्टैंड है जहाँ पे ब्लोअर रखते हैं। इसमें इसके साथ एक बड़ा और एक दो छोटा स्टैंड आता है, दो तरह का आता है आपको ये मिलेगा। ये कैसे ही का है, ये मैंने संजीव चौहान से लिया था, GSM कार्ड से, 1200 रुपये का अप्रोक्स। तो इसे कैसे बनाना है हम स्कोप के बारे में बात करते हैं। तो जो माइक्रोस्कोप हमें बनाना है, सबसे पहले तो हम आपको दिखा दें, ये आप जो स्टैंड देख रहे हैं इसका छोटा वाला स्टैंड हमें लेना है, छोटा वाला स्टैंड है ये छोटा है, इससे बड़ा भी आता है। तो छोटे वाले सीट में हमें यहाँ दो LED फिट करना है, ये दो जो मार्केट में 10-10 रुपये का USB लाइट आते हैं उसको लगा लेना आपको यहाँ पे, ठीक है, और इसमें डायरेक्ट यहाँ से वायर कनेक्शन करके आपको USB से ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। जैसा कि देखो, मैं अभी इससे कनेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए ये ऑन हो गया, ये USB लाइट हो गया। तो इससे क्या करना है, हमें एक साइज में यहाँ पे सेट कर लेना है। अब देख लो, दो उंगली से ज़्यादा, लगभग 3 उंगली के इतना ये यहाँ पे इसके रिंग को सेट करना है। उसके बाद को इस फोन को रखना है यहाँ पे, इस स्टैंड को हमने रख दिया। इसके बाद इस पर हमें माइक्रोस्कोप कैसे बनाना है, फर्स्ट हम इसे खोल लेंगे। उसके बाद मार्केट में हमें ये लेंस मिलता है, 30 रुपीज का ये लेंस मिलता है, आप देख लो, आपको मोबाइल रिपेयरिंग मार्केट में 30-30 इस ऐसा हमें दो लेंस लेना है, ठीक है, दो लेंस लेना है, हमारा माइक्रोस्कोप बन के तैयार हो जाएगा। तो पहले हमने जो फर्स्ट है उसे हमें वहाँ पे फिट कर देना है, ये देखिए, ये हमने पहला वाला सेट कर दिया, ये पहला वाला हमारा सेट हो चुका है। अब हमें जो यहाँ से व्यू मिलेगा वो आपको मैं दिखाता हूँ, LED ऑन कर दो। तो ये जो व्यू मिलेगा, ये हमें काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहा है, ठीक है, बहुत ही बड़ा व्यू मिल रहा है, मैं आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये व्यू देख रहे हैं आप, ये विदाउट जूम है, मैंने मोबाइल को जूम नहीं किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मोबाइल रख के भी आप यूज कर सकते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसा लगा देना जिससे मोबाइल स्टैंड की वर्क करेगा, और यहाँ पे इस तरह से मोबाइल को रख देना है, यहाँ पे इस तरह से मोबाइल को रख देना है और आपको यूज करना है। आप देखिए, मैं उस स्टैंड पर रख के दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखिए मैंने उसी फ़ोन को रखा हुआ है स्टैंड पर, और ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखिए जूम की कैपेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है इस उसकी वजह से। तो हमें किसी तरह का डिजिटल स्कोप लेना नहीं, आप देख लो, आप क्लियरिटी खुद देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, हम इसको अभी 5x तक जूम कर चुके हैं, ठीक है, अभी सॉरी, ये देखिए ये CPU है, एक एक पॉइंट, एक एक ट्रैक दिख रहा है, और इसके चार्जिंग कनेक्टर की तरफ चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा जूम कर दिया मैंने, ये देखिए ऑल ट्रैक ओपन है, कितना क्लियरली दिख रहा है। अभी यहाँ पे हम जंपर आराम से जंपर कर सकते हैं और जूमिंग भी बढ़ा सकते हैं। अभी देखिए, ये ट्रैक देखना है मुझे चार्जिंग सेक्शन का, ये देखिए इजी जंपर कर सकते हैं आप। तो 8x तो काफ़ी ज़्यादा जूम हो जाता है, हमें 4x में ही काम हो जाएगा हमारा, ये देखिए हम 4x करते हैं, ये देखिए काफ़ी जूम अच्छा मिल रहा है यहाँ पे, कोई भी आप देख लो, कैसे भी किसी भी तरह से बेहतरीन जूम, ये देखिए ये इसका, ये देखिए इसका CPU। तो हमें जूम ये माइक्रोस्कोप से बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है, मैंने इसको देख चुका हूँ। अब बात आती है हमें अपने आंखों से देखने के लिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें इस तरह का दो आई लेंस है, इसे दो लेना है, तो हमने एक ले लिया। अब हमें हाथों से वर्क करना है, तो ये देखिए यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है, तो अब मुझे और भी क्लियर करना है, तो एक ऐसी तरह का और लेंस लेना है, ये देखिए मैं इस तरह का लिया हूँ, 1025 है, लेकिन आप इसी तरह का सेम एक और लेंस ले लेना। ये तो मैंने ये जो बिनोकुलर मिलता है जिसे हम दूरबीन कहते हैं, उसका मैंने तोड़कर निकाला हुआ है, तो इसको एक जो आप एक और इसको लेंगे इसके ऊपर रख देंगे, ये देखिए इस तरह से ये आपका डबल हो गया, ये डबल ही तक वर्क करता है। अब आप देखेंगे तो आपका जूम जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगा काफ़ी ज़्यादा, ये डायरेक्ट डबल हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी शानदार व्यूज मिलेगा। तो ये अपने आंखों से देखकर बनाने के लिए है,
तो यहाँ से कोई भी माइक्रो जंपरिंग वगैरह करना आप आराम से कर सकते हो। आप बनाकर देखना, आपको माइक्रो स्कोप खरीदना ही नहीं पड़ेगा ना ही रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि वो सेम उसी के इतना जूम, उसी के इतना क्लैरिटी और सब कुछ सेम देता है। और यहाँ से आप अगर यहाँ पे स्टैंड लगाते हैं तो इसे ऊपर नीचे करके एडजस्ट भी कर सकते हैं आप। तो ये काफ़ी शानदार माइक्रोस्कोप है। और यहाँ से आपको जूम कैपेबिलिटी दिखाता हूँ मैं विदाउट जूम, मैं आपको दिखाता हूँ डबल से, सिंगल ही काफी। इसको जूम करो जरा, ये देखिए, ये 1x, ये 1.5, 2x, 2.4, ये देखिए सीपीयू 3x में दिख रहा है हमें, ये देखिए, ये आप देख रहे हो जैसा कि ये 3.8, ये 4x में आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं बोर्ड को हिला के दिखाता हूँ आपको, देखा आपने, ये देखिए 4x जूम है ये डबल के साथ। तो ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है, आप इसे यूज कर सकते हो। तो मैंने दिखा दिया आपको ये माइक्रोस्कोप कैसे बनाना है, ये काफ़ी अच्छा है और आपको माइक्रोस्कोप खरीदना ही नहीं पड़ेगा। आपको माइक्रोस्कोप 20,000-15,000 आपको डराएंगे माइक्रोस्कोप ले लो तो आपको ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से एक स्टैंड लो, 1200 रुपये का मिलता है, ये मैंने संजीव चौहान GSM कार्ड से लिया था, ठीक है, 1200 रुपये का। उसके बाद ये देव लेंस तो मार्केट में मिल ही जाते, वो ले लो और आप LED बना लो और एक USB वायर कनेक्ट कर दो और ये आपका ये माइक्रोस्कोप रेडी हो जाएगा किसी भी तरह का काम करने के लिए। और रही बात, रोज कहते हैं हमें बड़े मॉनिटर में देखना है, PC में कनेक्ट करना है, उसका भी एक सॉल्यूशन है, आप अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने कंप्यूटर में स्क्रैचपी करके एक सॉफ्टवेयर आता है, छोटा सा 2 MB का होगा, स्क्रैचपी आप डाउनलोड कर लेना। आप 32 बिट 64 बिट जितने का आपका PC होगा, आप स्क्रैचपी डाउनलोड करना और अपने मोबाइल का USB डीबगिंग और OEM अनलॉक कर देना और डेवलपर मोड ऑन करके, उसके बाद आप कनेक्ट करना, अलाउ करना और वो सॉफ्टवेयर आप ओपन करोगे स्क्रैचपी, तो आपका ये बड़े पीस में आ जाएगा। USB से कनेक्ट करेंगे तो आपका मोबाइल आपके कंप्यूटर से कम्युनिकेट हो जाएगा, आप आराम से इसका बड़े स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो आप फिर से सॉफ्टवेयर का नाम बता देता हूँ, स्क्रैचपी, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। तो चलते हैं, आप ही के लिए मैंने ये माइक्रोस्कोप का वीडियो बनाया कि आजकल बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोप हो। तो ये जो मैंने आपको लिया था आपके साथ, इसके साथ देखिए मुझे एक स्टैंड भी मिला हुआ था, ये काफ़ी अच्छा स्टैंड है, ये भी इस पैड के साथ में आया हुआ था, इस स्टैंड के साथ ही आया हुआ था। फिर से आपको स्टैंड दिखा देता हूँ मैं निकाल कर, ये देखिए स्टैंड दिख रहा है आपको। अब इसका एक सिनेमेटिक शॉट ले लीजिए, तो आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जल्दी करिए। तो बहुत सालों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब मैं वीडियो अच्छे अच्छे वीडियो बनाने वाला हूँ और मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें स्केमेटिक के बारे में होगा, जिससे कि फ़ोन बनाने में हमें आसानी होगी। तो उसके बारे में डिटेल्स मैं फ़ोन को ड्रा करके आपको उसका कुछ PMI वगैरह, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन, इस तरह से मैं इसमें स्केमेटिक के बारे में बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।